दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अगर आप YouTube अपने मोबाइल में ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हो जैसे आप लैपटॉप या कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं तो इसी के लिए आप लोगों को एक एप्स उसको इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में और उसका पूरा डिटेल में आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगा कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह के करना है ताकि आपको पुल उसी तरह के इंटरफेस शो हो जाए जैसे आप लैपटॉप और कंप्यूटर में YouTube का ओवरऑल इंटरफेस देख रहे हैं तो चलते ही वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं ऐप्स बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने ये ऐप्स इसको इंस्टॉल करना है जिसका नाम है YouTube Studio। तो आपने प्ले स्टोर पर यूट्यूब स्टूडियो को सर्च कर लेना है और आपने ये वाला ऐप से इसको इंस्टॉल करना है जो कि 50 प्लस मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो इसके बाद जस्ट आप लोगों ने इसको ओपन करना है तो जैसे कि मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करें तो आप लोगों ने इसको अपने यूट्यूब अकाउंट के साथ इसको लॉग करना है इसके बाद आपको इस तरह की इंटरपेज शो हो जाएगा ये जो हमें अभी नज़र आ रहा है ये डैश है ठीक है अगर हम इसकी जो लेफ्ट साइड कॉर्नर है इस पर अगर हम इधर क्लिक करें इसी आइकन पे तो ये हमें बताएगा कि ये डैश है ठीक है इसके बाद अगर हम नीचे वीडियो पे क्लिक करें तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है और इसके थ्रू आप अपनी वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन टैक्स तमनेल और इसके साथ कमेंट्स को ब्लॉक करना और लाइक और डिसलाइक को भी ब्लॉक करना या आपने किस तरह के करना है तो ये सारी चीज़ें आप इधर से इजीली कर सकते हैं आपको लैपटॉप और कंप्यूटर का ज़रूरत ही नहीं है तो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ तो जैसे अभी हमें ये वीडियो इधर शो हो गई ठीक है तो इसके बाद में कोई भी वीडियो पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने कैसे चेंज करना है और साथ ये भी बताऊँगा कि इसका अगर आप तमनेल लगाना चाहते या अगर इसको आप चेंज करना चाहते तो उसको आप किस तरह की कर सकते हैं तो सबसे पहले हम तमनेल की बात करते हैं तो इसी के लिए आप लोगों ने ये जो पिन्सल वाला आइकन है सबसे पहले आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है तो जैसे आप इस पर क्लिक करें तो इसकी बात आप लोगों ने इसी पिंसिल पे दोबारा क्लिक करना है तो जैसे आप इस पे क्लिक करें तो ये आपको गैली पर ले चले जाएगा और उधर से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी तमने ला वीडियो पे लगाना चाहते हैं तो उसको आप लगा सकते हैं नेक्स्ट जो है इसका टाइटल आप लोगों ने किस तरह की चेंज करना है जस्ट आप लोगों ने इस टाइटल पर क्लिक करना है ये जो आपको नज़र आ रहा है कि कीजिए वाला दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि इधर से आप इसकी टाइटल को चेंज कर सकते हैं ठीक है टाइटल को चेंज करने के बाद इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहते तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा तो जैसे आप इस पर क्लिक करें तो इधर आपको डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा इसमें अगर आपने कुछ मोटिफिकेशन करने हैं तो आप इधर से कर सकते हैं अभी हम बैग जाते हैं और इसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ कि वीडियो को अगर आप पब्लिक प्राइवेट करना चाहते हैं या अगर इसको अगर आप शेडूल करना चाहते हैं कि दो तीन चार दिन पाँच दिन बाद ये पब्लिक हो तो आप इधर इसको शेडूल भी कर सकते हैं ठीक है तो जस्ट आप लोगों ने शेड्यूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और इधर से आप लोगों ने पूरा डेट टाइम को सेलेक्ट करके इसको ओके कर लेना है तो वीडियो को अगर आप नेक्स्ट वीक में पब्लिश करना चाहते तो आपने डेट नेक्स्ट वीक का इधर से लगाना है ठीक है तो आपकी वीडियो नेक्स्ट वीक में पब्लिश खुद बहुत हो जाएगी तो शेड्यूल का यही मतलब है इसके बाद अगर आप जो भी वीडियो बना रहे हैं वो बच्चों के लिए बना रहे हैं, जैसे कि कार्टून शार्टून की वीडियो वीडियोग्राफ बना रहे हैं तो वही वीडियो आप बच्चों के लिए बना रहे तो इधर से ये सेटिंग आप लोगों ने चेंज करना है ठीक है तो जैसे आप इस पर क्लिक करें तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करना हो इधर से आप लोगों ने इसको येस इट इज़ मेड पॉकेट आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे अगर आप वीडियो बड़ों के लिए बना रहे या अगर आप ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो सब देख सकते हैं जैसे कि मैं ये टेक्निकली वीडियो बना रहा हूँ तो आपने दूसरी वाला को सेलेक्ट करना है ठीक है नो एटमेंट फॉर्किट ठीक है यानी आप इसको बच्चों के लिए नहीं बना रहे तो आपने दूसरी दूसरे को सेलेक्ट कर लेना है तो फिर इसके बाद आपका वीडियो छोटे और बड़े भी देख सकते हैं अगर हम इधर लास्ट भी आ जाए तो इधर एज रिस्ट्रिक्शन की ऑप्शन है अगर आप ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं जो कि आप चाहते कि सिर्फ ये वीडियो बड़े लोग देख सकें तो इधर से आप इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है ये yes, रेस्ट्रिक्ट my video to viewers over एटीन जिसकी एज अठारह साल से ज़्यादा है तो ये वीडियो आप उन लोगों के लिए रिकमेंड करते हैं तो आप इधर से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं वीडियो डिपेंड करती है उसमें कंटेंट किस तरह की है जिसकी एज अठारह साल से कम है वो देख सकते हैं या नहीं इसकी बात हम नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं नीचे है प्लेलिस्ट, ये वाला सेटिंग ठीक है ये वाला सेटिंग ये ऊपर ये ये सब हो होगी ठीक है अभी हम बात करते हैं एड टू प्ले अगर हम ऐड टू प्लेट पर क्लिक करें तो इधर से आपको सारी प्ले शो हो जाएगी जो आपने बनाया हुआ है ठीक है तो जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं तो आपने उसी प्ले में रिलेट इसको एड करना है जो इसके साथ रिलेट करते हैं जैसे अगर आप व्हाट्सअप के बारे में वीडियो बना रहे हैं तो आपने एक प्ले लिस्ट के बारे में बनाना है जैसे कि व्हाट्सअप ट्रैक्स तो फिर जो भी वीडियो आप बना रहे हैं तो आपने उसी प्ले में व्हाट्सअप की वीडियो को ऐड करना होगा तो इसी के लिए आप लोगों ने इधर सेपरेटली बहुत सारी वो प्ले आप लोगों ने बनानी है और उसमें आप लोगों ने वही वीडियो को एड करना है जो उसकी रिलेटेड हो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं ये टैग वाले ठीक है तो ऐड टैग पे अगर हम क्लिक करें तो इधर से आप एड्स लगा सकते हैं टैग सो टैग आप लगा सकते हैं ठीक जैसे कि आप व्हाट्सअप के बारे में वीडियो बना रहे तो हैं तो इधर आप लोगों ने लिखना है व्हाट्सप टिप्स एंड ट्रैक्स अगर आप YouTube के बारे में वीडियो बना रहे तो आप YouTube की सेटिंग YouTube की न्यू अपडेट्स इस तरह के आप लिख सकते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं हम थोड़ा सा बेकाते हैं और आपको मैं आगे भी सेटिंग बताता हूँ तो इसके बाद अगर हम इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करें तो दोस्तों इधर आपको बताते हैं कि आपका वीडियो कितनी बंदों ने वॉच किया हुआ है ठीक है उस पर व्यूज़ कितनी आई है और नीचे आप टाइम को इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट ट्वेंटी डेज़ में आपकी वीडियो कितने मिनट वॉच हो गई और नीचे अगर हम इधर देखें तो आपको इधर ये बताते हैं कि लास्ट ट्वेंटी एट डेज़ में कितने व्यूज़ आ चुकी हैं ठीक है ठीके? और हम अगर इसकी बात करें आडियो रिटेंशन की आडियो इंस्टेंशन की तो इसमें आपको ये बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप की वीडियो पे किसी ने क्लिक किया उसने आपकी वीडियो पूरा देखी या दो तीन मिनट देख की उसने वीडियो को स्केप किया तो इधर से आपको ये बताते हैं अगर नीचे आप देखें तो इधर आपको ये बता दें कि आपके वीडियो कितनी बंद लाइक और डिसलाइक क्या हुआ है और हम अगर इसकी बात करें ये जो नीचे हैं ट्रैफिक सोर्स टाइप तो इधर से आपको ये पता चलता है कि आपकी वीडियो पे जितनी भी व्यूज़ आई है तो वो कहाँ से आइए आपने व्हाट्सअप पर किसी को लिंक सेंड किया हुआ उधर से आइए या फेसबुक से आइए या यूट्यूब से आई हुई तो इधर से आप ये पता भी लगा सकते हैं अगर हम ऊपर वाली इसी ऑप्शन पर क्लिक करें डिस्कवरी पे तो इधर हमें यह बताते हैं कि इम्प्रेशन कितनी है मतलब कि आपकी वीडियो कितने बंदों को YouTube वाले ने शो किया हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं कि इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीडियो YouTube वालों ने कुछ ऐसे बंदों को शो किया जिन्होंने आपकी वीडियो पर क्लिक किया और उसने क्लिक करके आपकी वीडियो को देख लिया तो इधर इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट आपको इधर बताते हैं नीचे अगर ट्रैफिक सोर्स टाइप की बात किया जाए तो इधर भी आपको ये बताते हैं कि आपकी वीडियो की जो ट्रैफिक से वो कहाँ से आई हुई है और नीचे अगर आप देखें तो ये भी आपको बताते हैं कि एक्सटर्नल बाहर से कितने लोग आए हुए हैं ठीक है चीके? तो नीचे अगर आप देखें तो यूट्यूब की इंटरनल कितने बंदों ने सर्च किया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसकी कीवर्ड्स वर्ड अच्छी है हाउ टू इस तरह की कि, तो कितने बंदों ने आपकी वीडियो सर्च करके आपकी वीडियो को वॉच किया हुआ है नीचे आप सजेशन को चेक कर सकते हैं कि जैसे कि एक वीडियो हाथ तो मुझे उसके बाद दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाए नीचे आप टॉप लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं ठीक है थीके? तो बाकी ये इजी चीज़ इसको आप खुद चेक कर सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी ऑडियंस पे हम जाते हैं तो इधर आपको बताते कि गर्ल्स ने आपकी वीडियो ज़्यादा देगी या बॉयज़ ने और नीचे अगर आप एज की बात करें तो आपको ये भी बताते कि आपकी वीडियो बच्चों ने बहुत वॉच किया हुआ या बड़ों लोगों ने इसके बाद नीचे इधर आपको टॉप कंट्रीज बताती कि आपकी जो वीडियोज़ थी वो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है या इंडिया में या किसी और कंट्री में ठीक है तो आगे आपको ये बताते हैं इसी वाला ऑप्शन में कि आपने जो कार्ड्स लगाई हुई है एंड स्क्रीन लगाई हुई है उसके थ्रू कितनी व्यूज आपकी वीडियो पर आए हुए ठीक है इन्विटेशन जिस तरह की आप कोई वीडियो देख रहे हैं ऊपर इस तरह की एक कार्ड शो होती है आपको इस तरह की एक वीडियो आ जाती है और उसकी लिंक चली जाती है तो ये उन चीजों के बारे में ही ठीक है इसको कार्ड कहा जा सकता है तो बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट सेटिंग थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया बाकी इसमें इतने हाथ और कुछ भी नहीं है बाकी सब इजी चीजी है तो इसको आप अभी यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? जो मुश्किल चीज़ है मैंने आप लोगों को बता दिया बाकी अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं तो उम्मीद कर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय